शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में बाउंड्री वॉल होना बहुत जरूरी है। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी ब्लॉक के फतपुर ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय फतपुर में बाउंड्री वॉल ना होने से सौरभ सहित 103 बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ बाउंड्री ना होने के कारण बाहर के लोग आकर के दीवार पर गंदी गंदी चीज़ें लिख देते हैं और यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, जिसके कारण बच्चों को बीमारियाँ भी हो सकती हैं और दो तीन और जंगली जानवर भी अंदर आ जाते हैं। दो तीन बच्चों को तो बिच्छू काट लिया है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री बन जाए और बाहरी लोग? हम लोग विद्यालय के बाद जब छूट बंद हो जाता है तो चले जाते हैं, तो यहाँ कोई देख रेख नहीं करता। जो गांव के कोई जानवर भेड़ बकरी या पालतू जानवर ला के यहाँ अपना खिलाते पिलाते हैं और वो सब जानवर आके हमारे जो है कमरों में या फील्ड में आके गंदगी कर देते हैं, वहाँ वो गोबर कर देते हैं, जिसे हमारे स्कूल की दरवाजे पर लिख देते हैं कुछ या खिड़की में लिख देते हैं या हमारे जो है दीवारों पर कुछ ना कुछ अभद्र जो है शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई बाउंड्री वॉल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगल में भी कुछ कांच वगैरह काफ़ी उगे हुए हैं, तो इससे जो है छोटे छोटे जानवर जैसे कीड़ा हुए, सांप हुए, बिच्छू हुए, इस तरह से छोटे छोटे जीव कभी कभी अंदर प्रवेश कर जाते हैं और आए दिन बच्चों को जो है इससे प्रताड़ित होते रहते हैं। तो बाउंड्री वॉल हो जाने से इन समस्याओं से भी निजात मिल सकता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल की व्यवस्था जल्द की जाए। जितने भी अधिकारी हैं सब अधिकारियों को भी सूचित किया है। हमारे यहाँ जब समग्र गांव हुआ है, जब जब कोई अधिकारी आता है तो हम लोग उनको पत्रों के माध्यम से सूचित करते हैं कि हमारे यहाँ बाउंड्री वॉल और बिजली की जो है व्यवस्था हो जाए। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस विद्यालय के जल्द से जल्द बाउंड्री वॉल बनवाया जा सके। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से अपील है कि प्रतापगढ़ जनपद के BSA के मोबाइल नंबर 94-50-59-56-32 पर फ़ोन कर दबाव बनाए ताकि इस विद्यालय का बाउंड्री वॉल बनाया जा सके। मैं चंदा भारती, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, इंडियन हेड के लिए।